जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में हैवान बने पति ने पत्नी की सिल बटने से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने पहुँच कर किया सरेंडर। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के गाँव बुधनगर खडवा से दिल को दिला देने वाला एक मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर हैवान बने पति ने अपनी पत्नी की अवैध संबंधों के चलते सिल बटने से पीट पीट कर हत्या कर दी। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद हत्या आरोपी शीशपाल कोतवाली में पहुंचा और कोतवाली प्रभारी को अपनी पत्नी की हत्या करने की जानकारी देते हुए सरेंडर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस विषय में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सुबह के 4 बजे शीशपाल कोतवाली में पहुंचा और अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस बुधनगर खंडवा पहुंची और घटना के विषय में जानकारी ली। तब मृतका के पुत्र ने अपने पिता के द्वारा मां की हत्या करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। मारा थी मम्मी को है? और कौन सा था इसके साथ में? अच्छा, कैसे मारा? कैसे मारा? अच्छा, और पूरा क्या मामला है? आज सुबह 4 बजे बुधनगर खंडुआ का शिवपाल नाम का व्यक्ति थाने पर आया। उसने थाने पर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या स्वयं कर दी है। इस सूचना पर पुलिस बुधनगर खंडुआ गई तो वहां पे ये पता लगा कि ये पहले अपने परिवार के साथ अशोक नगर चंदौसी में रहता था। वहां पे एक औरत जो इसकी पत्नी मतलब किरायेदारी वो भी थी, ये भी थे, वो साथ साथ लोग आते जाते थे दोनों, इसकी पत्नी और दूसरी किरायेदार। इसको अपनी पत्नी पे शक हुआ कि कहीं गलत जगह घूमने जाती है, इसी के आधार पे फिर अपने परिवार को लेकर बुधनगर खंडुआ आया है और रात में 3:30 के लगभग इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सील बढ़ते से मार के इसने अपनी हत्या कर दी और उसके बाद तुरंत ही अपने थाने पर आ गया और थाने पर आके इसने सूचना दी है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। और इसके मारने में इसका बेटा भी पुष्टि किया है कि मेरे पिताजी नहीं, मेरी माँ को मारा है। अब इस पर एफआईआर कर एफआईआर की तहरीर मिल गई है, एफआईआर करके विधिक कार्रवाई।